देश भर में छठ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम बात करें दिल्ली की यमुना 7 नंबर से लेकर और 8 नंबर 4 नवंबर तक छठ पूजा का यमुना में इंतजाम किया गया था, लेकिन ये देखने वाली बात भी आती है बड़ा अच्छा दिल्ली सरकार ने इंतजाम किया। फायर पुलिस प्रशासन व डॉक्टरों की टीम व गोताखोर तक मौजूद रहे। यही देखा जाए हैं जिस NGO के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है उसी NGO ने 4 घाट और बनाए जिनमें 3 घाट पर कोई इंतजाम नहीं था। ये वीडियो में भी देख सकते हैं, 1 घाट पर तो नहीं ट्रिंक थाना ही आदमी था, किसी तरीके का कोई भी इंतजाम नहीं था। ये माजरा में घाट है, दूसरा घाट बत्तावरपुर जहां पर मुश्किल से 50 से 60 आदमी होंगे, इसी तरीके का 1 घाट और भी जिसमें इंतजाम, लेकिन ना ही तो पुलिस प्रशासन हाथ दिखाई दिया, ना ही कोई सिक्योरिटी और ना ही वहां पर फायर का कोई इंतजाम किया गया। अगर किसी वजह से ऐसी जगह पर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार क्या दिल्ली सरकार या पुलिस प्रशासन होगी, या जो दिल्ली सरकार पैसा रिफंड करती है NGO के लिए, दिल्ली में जो छठ पूजा के घाट लगाए जाते हैं उनके लिए उन पर इंक्वायरी भी होती है कहां पर घाट बने हैं और कहां पर नहीं। जे एक देखने वाली बात रहेगी कि जिन घाटों पर कोई इंतजाम नहीं है दिल्ली सरकार उन पर भी पैसा दे रही है, क्या ये पैसा NGO के पास जाएगा या किसके पास जाएगा। आप हम ये नहीं है कह रहे छठ पूजा एक धार्मिक प्रोग्राम है, उन लोगों की एक अपने दम के लिए आस्था है और लोगों को मानना चाहिए उस आस्था को, लेकिन आस्था की आड़ में यहाँ पर कमाई के भी इंतजाम हो रहे हैं। क्या उन चीजों पर सरकार गौर करेगी या जो SDM लगते हैं, SDM ने घाटों को दौरा करा है, ना घाटों पर कोई भी इंतजाम नहीं था। आने वाले समय में तो और भी लोग ऐसा ही करने लगेंगे। हम चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर आदमी को अपनी पूजा करने का अधिकार है और करनी चाहिए, लेकिन सरकार को उन चीजों पर भी गौर करनी चाहिए जो हुआ है ही नहीं, और उनका पैसा भी रिफंड किया जाता है तो वह पैसा कहाँ जाएगा, किसके पॉकेट में जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। हम आपको इस खबर में 4 जगह की वीडियो दिखाएंगे तो आप लोगों को सर। आपका नाम? सिंहेश्वर यादव। सिंहेश्वर जी, आप तो काफ़ी समय से लगे हुए हैं और एक NGO से भी हैं, काफ़ी प्रोग्राम आपने कराए हैं, तो जनता कितनी खुश है आपसे, क्षेत्र की? जनता तो खुश है ही, फिर और तो एक आदत तो अपवाद होता ही है। आपने यहाँ के अलावा और भी एक तो बनवाया है घाट बकौली,
अच्छा बख्तावरपुर, उसमें भी ऐसी सुविधा दी गई? हाँ, ऐसी सुविधा दी गई। सेम कितनी संख्या हो जाती है वहाँ पे? बकौली में तो आपके 1000 एक आदमी के लगभग, बख्तारपुर में 300 करीब। जी, आपके एनजीओ की तरफ से भी वहाँ कोई वॉलंटियर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हमने वहाँ पर प्रतिनिधि चुन रखा है। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ जनता आती है, कितनी जनता आ जाती है, तकरीबन कितने आदमी आ जाते हैं? 70,000 के लगभग। 70,000 के? 70 से 1,00,000। तो सरकार ने आपको कुछ सुविधाएं दी हैं, जैसे टेंट वगैरह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट को जो बन पड़ता है वो करते हैं, बाकी हम लोग अपना अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, ज्यादा भागदौड़ तो हम करते नहीं हैं, हम लोग खुद व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, बाकी जो गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी उस हिसाब से हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली हुई है करके शरद चौहान जी ने मदद किया है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी है, जैसे अब घाट पे जो लोग हैं, जैसे केले वगैरह या गन्ने वगैरह लाते हैं जी, और उनको बाद में यहीं छोड़ के चले जाते, तो उनके लिए भी कोई? उनके लिए वैसे डीसी सर ने बता दिया है कि ये MCD का काम है। अच्छा। और MCD नहीं करते हैं तो इसका जिम्मेवार कोई और हो, कौन होगा? देखिए, सफाई की जिम्मेवारी तो MCD की। और हम कोशिश करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं यहाँ से, लोगों को अवेयरनेस करने का कोशिश करते हैं कि आप जो है जमुना जी को सफाई करें, सफाई रखें, गंदगी न फैलें, स्वच्छ रखने में मदद करें NGT को। हाँ, बकौली और माजरे में जो आप कह रहे हो छठ घाट लगा हुआ है जी, वहाँ पे एक सीलिंग तक नहीं देखी गई? क्यों नहीं देखी गई? अभी लगने लग रहा है एक आध जगह, अभी जो एक घंटे बाद तो सर बालू वहाँ पहुँच ले, जो आपका 5 बजे प्रोग्राम होता है 5:30 बजे। जी, नहीं वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया कि जो टेंट वाला को आना था उसकी गाड़ी जो है ना किसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था, जो दूसरे टेंट वाले किया, इसीलिए लेट हो गया। टेंट तो सरकारी उससे लगता है ना? अरे सरकारी से भी आते हैं तो गाड़ी से ही आते हैं ना, और गाड़ी को पकड़ लिया, अभी हमारे साउंड वाले को पकड़ लिया तो पुलिस ने तीनों साइड का सर, तीनों साइड पे नहीं है सर, कौन सा साइड पे नहीं? कुछ लगा हुआ सुबह से ही लग रहा है। तीन साइड कौन सा कह रहे हैं? माजरे वाले में अभी हमने जो है ना वहाँ पर कोई टेक्निकल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, इस वजह से हमने अभी चालू नहीं किया है, बख्तावरपुर और बकौली में चालू रनिंग कर रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम शिव रावत है। रावत जी, प्रोग्राम तो आपको ही मैं देखता हूँ, हर साल देखता हूँ जी, कि आपकी एक अच्छी भूमिका रहती है जी, और जनता को साफ सफाई के बारे में बताते हैं जी, तो अब के किन किन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है? देखिए, जिस तरह से हमारी सरकार की मुहिम है सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको बैन करा है और उस पर हमारा भी उनका सबका समर्थन है कि हम यहाँ से भी जनता में जागरूकता लाएंगे कि जो सिंगल प्लास्टिक यूज है उसको बंद किया जाए और अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, और जो जिस तरह से अभी स्कूल को बंद कर दिया गया 5 तारीख तक कि सिर्फ किस वजह से, तो पोल्यूशन बढ़ जाने की वजह से, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और इसका पूरा हम जनता में हम उसकी जागरूकता लाते हैं। ठीक है, ये जो पर्व है ही ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, संतुलित करने के लिए, और इस पे पर्व के साथ साथ इसी से जोड़ के हम पर्यावरण को जोड़ के लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ओके। जितेंद्र कुमार झा। जितेंद्र कुमार जी, क्या पद है आपका यहाँ सोसाइटी में? सर्व सहायता दर्पण का मैं एक सदस्य हूँ। तो आप ही की देख रेख में चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग तकरीबन आएंगे यहाँ? करीब करीब 1,000-1,500 से एक सीढ़ी आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो सुविधाएं हैं वो तो कम दिखाई दे रही हैं जैसे? नहीं, ये हमारा जो तीसरे साल की सुविधा है, पहले के साल से ये बहुत बेटर है और मुझे उम्मीद है कि जो कमियां अभी दिख रही है हमारे को वो आगे भी सुधार किया जाएगा। इस बार हमारा यही कोशिश रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होके और एक्टिव होके इस कार्य को पूरा किया जाए। आपके 4 घाट बने, आपकी कमेटी ने 4 घाट तैयार करवाए। ठीक है जी। लेकिन एक घाट तो मान लीजिए जमुना वाला, जो 7 नंबर 8 नंबर ठोकर पे है, जो बढ़िया बेहतरीन है। हाँ, जंगोला, हाँ, जिसपे सारी चीजों की सुविधा दी गई। ठीक है जी। लेकिन ये 3 घाट जो आप बता रहे हैं, माजरा और आपका बख्तावरपुर, ये इन तीनों घाटों पर सुविधा के नाम पे तो कुछ भी नहीं है? नहीं, सुविधा में जैसे हमारा देख लो आप, एक तो हमारी अपनी टीम है जो कि लगभग 35-40 आदमी का टीम है, 35-40 के देख रेख में ये हमारी अभी यहाँ का जो काम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, वो हो रहा है और हमारे तरफ से ये पूरी प्रयास है कि अच्छे ढंग से इसको हम नियंत्रण कर सके और चला सके। चार घाट
घाटों पे है जो आपका प्रोग्राम आपकी सोसाइटी करवा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधा मिल पा रही है? जी सरकार के तरफ से ही सरकार के सहयोग से ही हम इतना कर पाए, जैसे दिल्ली जल बोर्ड हो गया, लोकल स्तर पे जो अपने विधायक जी वगैरह हैं, इन सब लोग के सहयोग से ही ये घाट का सारा विकास या विस्तार हुआ। लेकिन सारी बात देखते हुए ना तो कोई फायर की सुविधा है ना प्रशासन की कोई सुविधा यहाँ दिखाई दे रही है? जी प्रशासन की सुविधाएं हैं, जो दो लोग आपके दिल्ली पुलिस के यहाँ हैं, चार लोग अभी यहाँ पे थे जो यहाँ से राउंड लगा करके बख्तियारपुर घाट के मुआयना करने गए। फायर की कोई सुविधा नहीं है? जी फायर की सुविधा जो हमारी है मेन घाट वहाँ जमुना पे है, जो बाकी घाटों पे नहीं है। बाकी घाटों पे उसके मॉनिटरी में है, वहाँ जो जैसे बख्तियारपुर है वहाँ छोटी घाट है, कम है। भगवान ना करे अगर किसी वजह से कोई हादसा हो जाए जी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी इसका जिम्मेदार अगर कहेंगे तो जो यहाँ संस्था या सरकार, कमेटी या सरकार, कमेटी या सरकार, सरकार जी, और इसका हम पूरे जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। सर आपका नाम? हरिंदर कुमार यादव। हरिंदर जी, जो छठ पूजा का प्रोग्राम बड़े उत्सव से मनाया जाता है और जमुना पे हर साल लगाया जाता है, क्या क्या सुविधा सरकार ने आपको दी है? सरकार तो हर प्रकार की सुविधा दे रही है, जैसे कि हमारा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड है, ये लोग पूरा तरह जमुना के किनारे साफ सफाई कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी हैं, इसके बाद हमारा ट्रैफिक सिस्टम से भी है, और हमारे MLA के द्वारा भी सहयोग मिला हुआ है। अपने अलीपुर क्षेत्र में कितने घाट हैं? अलीपुर में कम से कम हमारा जो इस एरिया में लगभग 5-6 घाट काम कर रहे हैं। अलीपुर में 2 हैं और बख्तियारपुर में 1 है, 1 बकौली में है और 1 यहाँ है, 1 माजरा में भी है। फायर की कितनी गाड़ियाँ दी हैं? फायर की तो अभी 1 गाड़ी शायद आई हुई है। 1 गाड़ी? हाँ। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है? हाँ, पुलिस प्रशासन के लोग तो अभी आए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जवान मैंने देखा कि 30-40 लोग यहाँ पर अभी घूम रहे हैं। सिविल डिफेंस के भी कुछ कार्यकर्ता हैं, इसके बाद SDM ऑफिस से भी हमारे पास। तो लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को, जनता को कुछ कहना चाहते हैं कि आगे और भी ज़्यादा उसमें आए? नहीं, मैं तो सिर्फ लोगों से अनुरोध यही करता हूँ कि आराम से आए, पूजा पाठ करें और जाएं, और गंदगी न फैलाएं, ताकि दिल्ली के पर्यावरण को भी विशेष ध्यान रखना है और यमुना का भी विशेष ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर गंदगी ना फैले, क्योंकि ये पर्यावरण के से संबंधित ये पूजा होती है वैसे तो। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि लोग पूजा करें और अपनी कामना पूर्ण करें और आराम से घर जाएं। ओके।